गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक पांच मेलम श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी तथा मार्क्सवादी। हम किन सिद्धांतों का यह अध्ययन अध्यापन करेंगे? सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी। पूर्व के वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने गार्नर की परिभाषा द्वारा यह समझने की कोशिश की कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। जैसे गार्नर मोदी ने कहा था, वे परिस्थितियां जिसमें आदिम मनुष्य जो आखेट पर जीवन यापन करता था, जंगलों में जीवन यापन करता था, उस मनुष्य में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा और किसी प्रकार के राजनीतिक संघ के रूप में एकत्रित हुए। ऐसे तथ्य है जो पूर्णतः नहीं तो अधिकांश अस्पष्टता के कोहरे में ढके हुए हैं। ये गार्नर मुद्दे ने परिभाषा दी। इस परिभाषा द्वारा हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हमने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की बात की। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिसमें हम छह सिद्धांतों की बात की थी। राज्य की उत्पत्ति का देवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी या मार्क्सवादी सिद्धांत। हमने सबसे पहले सामाजिक समझौते को समझने की कोशिश की, क्योंकि हमारे इस पाठ्यक्रम में सामाजिक समझौता, विकासवादी तथा मार्क्सवादी दो ही शीर्षक है। इसलिए हमने सबसे पहले सामाजिक समझौते का सिद्धांत को समझने की कोशिश की। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है। जिस प्रकार से इसके मोटे से अध्ययन करने पर हमें एक बात स्पष्ट हुई कि बहुत सारे व्यक्तियों ने अराजकता के माहौल में इकट्ठे होकर एक प्रण किया कि एक हमारा राजा होगा, उसको हम राजा बनाएंगे, पब्लिक उसे लगान देगी, उसके बदले वह हमें सुरक्षा देगा। इसलिए हमने इसको समझने के लिए हमने होब्स लॉ और कॉन्ट की परिभाषा को समझा। हमने होब्स लॉ, रूसो व कांट की परिभाषा को समझा। कांट ने जो बातें कही, होब्स ने जो परिभाषा उल्लेख की, हमने सामाजिक समझौते द्वारा इनको समझने की कोशिश की।
हुब्स ने निरंकुश राजतंत्र की व्याख्या की, क्योंकि हुब्स का जब जन्म हुआ था वो स्थितियां ऐसी थी कि वहां अराजकता फैल गई थी। राजा इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मौत के घाट उतार दिया गया था और सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। तो इसलिए उसने जो माहौल देखा, उन्होंने कहा कि आदमी झगड़ालू स्वार्थी होता है, ऐसी स्थिति में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। लोक मोहद्य ने वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की बात की। लोक मोहद्य ने जो बात कही उसके दूसरी ओर कोंट ने जो बात की उसने एक आदर्श राज्य की बात की। तीनों के अंतर रहे, हुब्स ने निरंकुश राजतंत्र की बात की, लोक ने वैधानिक राजतंत्र की बात की और कोंट मोहद्य ने आदर्श राज्य की बात की। अब सामाजिक समझौते के इतिहास हमें आगे से संबंधित करना है। सामाजिक समझौते का इतिहास, सामाजिक समझौते का इतिहास क्या है, इस सिद्धांत का इतिहास क्या है, ये सिद्धांत हमें इतिहास में कहाँ कहाँ मिलता है, ये सिद्धांत हमें इतिहास में कहाँ कहाँ जानने की कोशिश करता है। तो इसके द्वारा हमने यह खोजने की कोशिश की, हमने यह समझने की कोशिश की कि सामाजिक समझौते का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, भारतीय इतिहास के संबंध में, भारतीय दर्शन के संबंध में। भारतीय दर्शन के संबंध में सामाजिक समझौते के इतिहास का सिद्धांत महाभारत के शांतिपूर्व पर्व में मिलता है। महाभारत का शांतिपूर्व करता है, कहता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर राज्य नहीं के स्थान पर अराजकता थी, ऐसी स्थितियां जी जो अराजकता थी वो उन स्थितियों से निपटने के लिए सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक समझौता किया और ब्रह्मा के परामर्श से मनु को राजा घोषित किया। फिर कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है उसने भी इस बात का उल्लेख किया है। महाभारत का इतिहास क्या है इसका, महाभारत का शांतिपूर्व कौटिल्य ने भी अपनी रचना अर्थशास्त्र में इस बात को समझाने की कोशिश की है कि प्रजा ने राजा को चुना, राजा ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया। कौटिल्य के अनुसार मत्स्य न्याय से यानी जो अराजकता का भाव था उससे दुखी प्रजा ने वैसव मनु को अपना राजा बनाया और मनु को उन्होंने यह वचन दिया कि हम अपने धान का छठा हिस्सा और स्वर्ण तथा रुपए का दसवां भाग भाग्यावेश के रूप में देने की कोशिश की। यानी महाभारत की शांतिपूर्व में इसका उल्लेख मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो भारतीय साहित्य है जैन और बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध साहित्य भी यह समझाने की कोशिश करते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य में राज्य संस्था का आधार समझौते को मानना है। बौद्ध साहित्य के अनुसार राज्य से पूर्व अराजकता का वातावरण था जिसका अंत करने के लिए योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाया गया और उसके बीच समझौता हुआ कि अब तुम समझौता हुआ उन लोगों का किसको उन्होंने कहा, राजा को कहा कि अब तुम उस व्यक्ति को दंड दिया करो जो दंड देने योग्य है, जो पुरस्कार प्राप्त करने योग्य है उसको पुरस्कार दो, इसके बदले में हम हमारी क्षेत्र का, इसके बदले में हम जो खेती करते हैं उसका आपको एक निश्चित उपज का हिस्सा देंगे। ये भारतीय साहित्य था, ये भारत में सामाजिक समझौते का इतिहास था। फिर हम करते हैं पश्चिमी साहित्य में सोफिस्ट विचारकों ने अपने विचार दिए। सोफिस्ट विचारक क्या कहते हैं, सोफिस्ट विचारक क्या समझाने की कोशिश करते हैं। सोफिस्ट विचारक ये कहते हैं कि सोफिस्ट मनुष्य को स्वभाव से मूल प्रतियां भय और स्वार्थ की, हर मनुष्य की जो मूल प्रतियां हैं वो भय और स्वार्थ की है, अतः मनुष्य अपनी सुरक्षा और अपने हितों को सफल बनाने के लिए अपनी इच्छा को किसी शक्तिशाली पुरुष को शासक मान लेता है, इस प्रकार संकट जीवन का प्रारंभ होता है, ऐसी सोफिस्ट विचारक कहते हैं। फिर आता है हमारा इंपीरियम विचारक
वाले वर्वेद के बीच को संगठन कहते हैं। रोमन विचार किस बात को बल देते हैं कि जनता की राजसत्ता को अंतिम स्रोत होगा। एल्पिन ये कहता है कि राजा की इच्छा इसलिए कानून होगी कि जनता सर्वोच्च शक्ति संपन्न है। इस प्रकार मध्य युग में भी कुछ विचारकों ने परिभाषा दी। मेन गोल्डर पहला धार्मिक विचारक था जिसने सामाजिक समझौते की यथार्थ और स्पष्टता को चुना। मेन गोल्डर के अनुसार यदि राजा उस समझौते को भंग करता है जिसके लिए उसे राजा चुना गया है तो साधारण ज्ञान के अनुसार जनता को आज्ञा पालन के भाव से मुक्त करता है, विशेषकर उस समय जब सबसे पहले समय उसके विश्वास को तोड़ता है जिसमें वह और प्रजा बंदी है। इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद आधुनिक विचार का आया। 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद आधुनिक अनुबंधवाद, आधुनिक अनुबंधवाद में ऐसे विचार आने लगे जिसकी स्थिति में लेमोन, चार्ल्स बुसनाक, एल्थियस सुरोज लेखों को जाता था। रिचार्ड हुकर प्रथम अंग्रेज लेखक थे जिसने वैज्ञानिक रूप से समझौते को तर्कपूर्ण व्याख्या की। उसके बाद न्यायाधीश ग्रेशियस तथा फुम्फेकोर्ट सिनोन लेखों ने इस संबंध में विवेचन किया। इन सभी लेखकों ने इस सिद्धांत द्वारा यह विस्तृत प्रतिपादन किया। वास्तविक रूप से समर्थन होब्स लुको रूसो का किया गया। इन लेखकों ने दार्शनिक जो विचार थे जिन्होंने होब्स लुको का समर्थन किया उन विचारकों के दर्शन को हम अनुभववादी या समझौतावादी कहते हैं। फिर हम आधुनिक विचारकों में आधुनिक अनुबंधवाद आता है उसमें नंबर एक बात करते हैं होब्स की। हम किसकी बात करते हैं? होब्स की। और उसका पूरा नाम था थॉमस होब्स का जन्म हुआ था 1588 में इनका जन्म हुआ था और चल बसे थे इस दुनिया से 1679 में इनका देहांत हो गया था। 1679 में इस दुनिया से चल बसे थे। तो इस प्रकार हम होब्स की बात करते हैं। होब्स की बात कर रहे थे हम। होब्स इंग्लैंड का महान दार्शनिक थॉमस होब्स जिनका जन्म 1588 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1679 में हुई थी। थॉमस होब्स इंग्लैंड के महान विचारक थे। उन विचारकों में दो बातों का प्रभाव पड़ा। दो बातें थी कि एक तो उनके मन में भय था और दूसरा उनका राजवंश के व्यक्तियों से संपर्क था। इन दो स्थितियों में स्वयं होब्स ने कथन के कहा था कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया। उसकी माँ ने दो जुड़वाओं को जन्म में दिया जिसमें एक तो वो था एक भय था। तो इस भय का जो साम्राज्य था इसने उसे डरपोक बना दिया। होब्स को जो भय का साम्राज्य था उसने उन्हें डरपोक बना दिया। उसने सभी प्रकार के संघर्ष जो थे उनको नितांत अनुचित समझने की कोशिश की, नितांत अनुचित समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। अब उनका जब जन्म हुआ तो इंग्लैंड में ग्रह युद्ध चल रहा था जिसमें चार्ल्स प्रथम को मौत के घाट उतार दिया गया था। होब्स ने स्वयं इस बात को देखा कि विद्रोहियों ने जो सत्ता तख्त पर पलटने वाले थे उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम को मौत के घाट उतार दिया और होब्स ने ये स्वयं अपनी आंखों से देखा। जब मौत के घाट उतार दिया तो इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में ग्रह युद्ध हो गया और कानून व्यवस्था बिगड़ गई और अव्यवस्था हो गई।
कानून व्यवस्था बिगड़कर अव्यवस्था हो गई, अव्यवस्था होने से अराजकता फैल गई। इस ग्रह युग था, जो उनका ग्रह युग था, इसका होब्स के मन पर अमिट प्रभाव पड़ा और सोच विचार कर होब्स ने यह विचार किया, सोच विचार कर यह अनुभव किया कि यदि राजा का शासन नहीं रहे, यदि निरंकुशवादी राजा न हो तो समाज में अराजकता फैल जाती है। तो अत्यधिक भयंकर और जो कि अत्यधिक भयंकर और विध्वंस होगी, होब्स ने 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेवायन, 1661 में अपनी पुस्तक लेवायन, 1661 में अपनी पुस्तक लेवायथन, लेवायथन प्रकाशित की, जिसने उसने ये जो अमीर प्रभाव वाली बातें थी ये सारी की सारी बातें लिखी 1651 में। लेवायन जो बुद्ध पुस्तक थी उसने सामाजिक समझौते के आधार पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का समर्थन किया। होब्स के सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की हम व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मानव स्वभाव। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? होब्स के अनुसार, होब्स का जब जन्म हुआ तो मैंने शुरू में बताया, होब्स का जब जन्म हुआ तो इंग्लैंड में ग्रह युग हुआ और संघर्ष की इस अवस्था में, संघर्ष की जो अवस्था थी, उन्होंने अपने सामने उस घटनाक्रम को देखा ग्रह युग, तो इससे उसके मानव के प्रति घृणित पक्ष पैदा हो गया। तो उसने यह अनुभव किया कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी। मानव स्वभाव क्या है? स्वार्थी, झगड़ालू, स्वार्थी, झगड़ालू व अहंकारी, स्वार्थी, झगड़ालू व अहंकारी प्राणी। मानव स्वभाव क्या कहता है? मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सदा से व्यक्ति, जो व्यक्ति जो सदा ही शक्ति को प्रेम संदेह करता है, जब आदमी स्वार्थी, झगड़ालू, अहंकारी होगा तो शक्ति में संदेह करेगा और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। होब्स ने मानवीय प्रकृति की विशेषता बताई कि निजी स्वार्थ असीमित और अनंत है। मानवीय प्रकृति क्या विशेषता बताई उसने? निजी स्वार्थ असीमित और अनंत इच्छा, असीमित और अनंत इच्छाएं सुरक्षा की भावना भय युद्ध और संघर्ष अहम की प्रवृत्ति। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव क्या है? क्योंकि जब उसने इंग्लैंड का गया युद्ध देखा तो उस स्थिति में उसके मन में एक स्वभाव आया कि मानव स्वार्थ के झगड़ालू और अहंकारी, और जब ये प्रवृत्ति पैदा होती है, जब ये स्थिति पैदा होती है तो मानव की विशेषता क्या हो जाती है? वो निजी स्वार्थ, असीमित और अनंत इच्छाएं, सुरक्षा की भावना, भय युद्ध और संघर्ष की अहम की प्रकृति पैदा हो जाती है। जब यह प्रकृति पैदा होती है मानव स्वभाव में, तो दूसरा उसका विचार क्या था? दूसरा उसने क्या बताया प्राकृतिक अवस्था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव क्या है? स्वार्थी झगड़ालू और अहंकारी। प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी है, और जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखता है, और प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भेड़िए की भांति निकलना चाहता है, और मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसी जो प्राकृतिक अवस्था है, वह शक्ति ही सत्य है,
कि धारणा पर आधारित है। कोई भी कुछ भी हो सके, जितनी देर से अपने पास कर सकने में समर्थ हो उसी समय उसका हो जाता है। होब्स के अनुसार होब्स कहता है ऐसे समय में, कौन से इस समय में जिसमें वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। होब्स कहता है ऐसे समय में जब मनुष्य एक ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं तो उनमें भय बना रहता है, और ऐसी अवस्था को युद्ध कहा जाता है। जब भय बना रहता है तो युद्ध कहा जाता है। वो ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता है। ऐसी जो दशा होती है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति युद्ध करता है तो उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात, साधनों का ज्ञान, समाज आदि का कोई स्थान नहीं रहता। वहां सिर्फ उनका युद्ध रहता है। उनका ये नहीं रहता कितनी नुकसान होना है, क्या होना है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन एकांकी। जब है स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी होने का मतलब क्या है, मनुष्य का जीवन एकांकी। दीन एवं मित्र एकांकी, दीन अपवित्र एकांकी, दीन अपवित्र पाशविक एवं क्षण होता है। पाशविक एवं क्षण होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य के पाशविक और क्षण हो जाता है। जब ये भेद की अवस्था होती है, स्वार्थी, झगड़ालू, अहंकारी होता है, निजी स्वार्थ प्राप्त करने के लिए उसका स्वभाव हो जाता है, और निजी स्वार्थ प्राप्त करने के लिए वो प्राकृतिक अवस्था में एकांकी, दीन और पाशविक क्षण हो जाता है। ऐसी अवस्था से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य क्या करता है, समझौता करता है। तो ऐसे समझौते का कारण बनता है, ये जो ऊपर वाली अवस्थाएं हैं ये समझौते का कारण बनती है कि मानव मानव के खिलाफ न लड़े, संहार न करे। तो ऐसे सारे व्यक्ति संघर्ष की ओर अपना समझौते की ओर अपना रास्ता लेता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो ऊपर वाली प्राकृतिक अवस्था है झगड़ालू स्वार्थी, ऐसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए जीवन और संपत्ति से, अपनी असंख्या से, मृत्यु और संहार से, इस भय से व्यक्तियों को यह विचार के लिए प्रेरित करता है कि हमें कैसे बचना है। इस विचार के लिए प्रेरित करता है कि यह असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत किया जाना चाहिए। इस प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए व्यक्ति राजनीतिक समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है, और वो समझौते का कारण बनता है। नेक्स्ट है समझौते का स्वरूप। समझौते का स्वरूप, ऐसे समझौते का स्वरूप क्या होगा, जो नवीन समाज निर्माण किया जाता है सब व्यक्तियों में एक समझौता होता है। होब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्ति समूह से करता है, जिसमें वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से यह कहता है, सारे व्यक्ति मिलकर एक दूसरे से यह कहते हैं कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति अर्थात इस जनसभा को देता हूं, और इस शर्त से सौंपने को स्वीकार करता हूं कि तुम सब अधिकार इसको सौंपोगे। यानी वो जो व्यक्ति बोलता है वो सब लोगों के जनसभा को बोलता है कि तुम सब व्यक्ति इस फला राजा को ये अधिकार सौंपोगे। इस तरह से सभी इस कार्य को स्वीकृत होते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों का एक भाग सभा के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण करता है, और वो सभा सर्वोच्च सत्ता बन जाती है। यहीं से राज्य का श्री गणेश होता है। इस समझौते के अंतर्गत शासन का कोई पक्ष नहीं होता। समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। समझौता शासक समझौता का एक पक्ष न होकर समझौता का परिणाम के कारण पर को समझौते को कहीं अधिक कुछ है। समझौता पूर्णतः निकुश, अटल और अखंड है। फिर नवीन राज्य का रूप, ऐसा जो राज्य बनेगा उसका रूप क्या होगा। ऐसे राज्य को हम निरंकुश राजतंत्र की उपमा देंगे, क्योंकि सारे व्यक्तियों ने जनसभा द्वारा सारे अधिकार उस जनसभा को सौंप दिए। जनसभा ने एक राजा बनाया, और ऐसा जो राजा होगा वो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है, जो पूर्णतः संगति संपन्न होता है, जिससे प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासक वर्ग को शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं। इस प्रकार
होब्स के परिणाम स्वरूप इस निरंकुश राजतंत्र शासन की व्यवस्था की गई। होब्स ने इस आधार पर निरंकुश राजतंत्र की निरंकुश शासन की स्थापना की। इस प्रकार से हमने आज सिर्फ समझौते के सामाजिक समझौते में होब्स को पढ़ा। होब्स में मानव स्वभाव क्या है, प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव क्या है, समझौते का कारण क्या है, समझौते का स्वरूप क्या है, नवीन राज्य का रूप क्या रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।